आर्थिक तंगी से जूझ रहे कुलियों के लिए मसीहा बनी प्रवीण लता संस्था। रेलवे स्टेशन पर एक तबका जो यात्रियों का सामान ढोने का काम करता है, उस मजदूर को कुली कहा जाता है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 178 कुली हैं। अपनी रोज सेवाएं दिन रात यात्रियों को देते हैं, उसी से अपने 2 जून की रोटी का इंतजाम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। पिछले 15 महीनों से ये सभी आर्थिक तंगी का शिकार बने हुए हैं। रेल यात्रा में यात्री नहीं आ रहे हैं, ऐसे में कुली अपना और अपने परिवार का पेट पालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे हालात में प्रवीण लता संस्था कुलियों के लिए मसीहा बनकर आई और सूखा राशन बांटा, जिससे कुलियों के परिवारों को कुछ राहत मिलेगी। संस्था की फाउंडर ने बताया कि कुलियों की हालात के बारे में मालूम हुआ, फौरन मदद के लिए पहुंच गए। कोविड रिलीफ एक्टिविटीज से संबंधित काम कर रहे हैं। सेकेंड वेव के चलते हमारे पास अलग अलग कम्युनिटीज के लोग अप्रोच कर रहे थे कि वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जिनमें से कुली कम्युनिटी भी एक है जो जयपुर रेलवे स्टेशन में है। उनकी जब परेशानी हमने सुनी तो हमें आइडिया लगा कि भाई वो लोग किस तरीके से अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ट्रेन चल तो रही है पर खाली आ रही है, और उन लोगों के काफ़ी उधार भी चढ़ गए और वो अपने घर वालों को 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं खिला पा रहे हैं। इसी संबंध में हम लोगों ने कम्युनिटी ड्राइव करके आज जो है जयपुर के करीब 150 परिवार कुली के जो संचालक लोग हैं, उन लोगों को हम लोगों ने मदद पहुंचाने की कोशिश करी है। ड्राई राशन के माध्यम से अभी हमारा ये सपोर्ट है, मगर हम लोग नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो है मेडिकल किट्स की सुविधाएं भी इन्हें उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार और एक बेसिक जो ORS वगैरह जो नॉर्मल किट होनी चाहिए वो इनके पास रहे, जिससे कि कोई भी परेशानी जो है इनको छुए उससे पहले इनके पास उसका समाधान रहे। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है और ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम भारती सिंह चौहान है और मैं फाउंडर हूँ प्रवीण लता संस्था। आटा है, दाल है, सब है, कुछ समझा हमारा को समझ हो गया ना। अभी लॉकडाउन में क्या हालात थे आप लोगों के? लॉकडाउन में हालात बहुत ख़राब है, ट्रेनें बंद है, सवारी आ नहीं रही और पैसेंजर जो है आएंगे तो ही हमारा गुजारा होगा, नहीं तो मतलब ये हमारा गुजारा कहाँ से होगा। कितने टाइम से इस चीज़ को फेस कर रहे हैं? साल भर से ज़्यादा हो गई है। बीच बीच में मतलब ये खुल जाता है फिर बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है फिर बंद हो जाता है। पैसेंजर बेचारे टिकटों के लिए परेशान है, मतलब बिगर रीजन जा नहीं सकता पैसेंजर। आपका नाम बता दो। उस दौरान हमारी ऊपर बहुत ऐसी परेशानी आ गई कि ट्रेनें बंद हो गई, हमारा घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। हमारे को पहले जो लॉकडाउन लगा था उसके अंदर हमारे को 5 बार राशन मिला था, और 5 बार राशन के अंदर क्या होता है कि 1 बार राशन मिले 3 दिन खर्चा चलता, उसके अंदर हमको दूध के पैसे भी चाहिए, सब्जी के पैसे भी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के भी चाहिए, बच्चों तो हमारे घर बैठ गए। हमारे को रेलवे से दवाइयाँ मिलती थी, अब वो दवाई क्या वो भी बंद कर दी। उस दवाइयों के अंदर क्या है कि हमारे को जाते हैं दवा लेने की तो बोलते हैं बोले आपकी 10 साल पुराना हो गया मेडिकल, आप नया मेडिकल बनाओ। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है SS के पास जाओ, SS बोलता है कि डॉक्टर के पास जाओ। हमको परेशान कर रहा था बिल्कुल, हमारे को दवाई नहीं मिल रही है। अगर कोई बच्चा तबीयत खराब हो जाती है तो हम दवा लेने जाते हैं तो कम से कम भी 100-150 रुपये की दवाई आती है, किसी 400 की दवाई आती है। इतना हम कमा नहीं सकते, हमारा पेट ही नहीं भर रहा तो हम दवाई कहाँ से दिलाएंगे। ये है बात। आपका नाम बताओ। मेरा नाम नजर मोहम्मद है, उपाध्यक्ष उन्हीं का यूनियन का उपाध्यक्ष।